हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम तो बढ़िया हैं ही। और ये देखो, सुबह सुबह रूम खोलते ही ऐसे सामने से सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं और सुबह सुबह की धूप हमें यहाँ पर मिलती है। और एक्चुअली हमने अपना जो सोफा कम बेड है वो यहीं पे डाला हुआ है बाहर वाले रूम में, तो सीधा गेट खोलते ही ना सीधा बेड भी डूब जाता है तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। यस, तो अभी हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग और मैं अभी क्या कर रही थी, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं 10-15 मिनट पहले भी उठ चुकी थी और पानी लगा दिया मैंने अपना नहाने के लिए गरम गरम, बिकॉज ठंडे पानी में तो भाई मैं ना नहा पाऊँगी। बाद हम जाएंगे ऑफिस, फिर मिलते हैं शाम को आपसे। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मेरा मन ही नहीं था, तबीयत भी ऐसी डाउन थी और अकेले हूँ तो मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। ये बन गया हमारा पोहा चाय और खाने में राजमा। ऑफिस से वापस, और वापस आने के बाद मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, बज रही है 5:30, क्योंकि मैं 5 बजे भी आई थी और मुझे बहुत तेज भूख रही है। मैंने एक अमरूद भी खा लिया, मैं लेके आई थी फल वगैरह सारे। और अभी बनी है मेरी मैगी, बहुत टाइम बाद बनाई है वैसे मैंने मैगी आज, तो सोचा आज खाते हैं। स्टिल मैगी मैंने बनाई है, स्पेशल मैगी इन द सेंस जो मेरे तरीके से बनती है, जो जैसे मुझे अच्छी लगती है वैसे मैंने बनाई है। और बस अभी उसके बाद में मुझे धोना है सर, और आज मैं थोड़ी सोच रही हूँ घर की सफाई भी रख दूँ कर दूँ, बिकॉज जब से मैं घर से वापस आई हूँ तब से 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन तो मैंने घर की सफाई नहीं करी है, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह ऑफिस चली जाती हूँ, शाम को ऑफिस आती हूँ, और शाम को आने के बाद में मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से डाउन थी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रेस्ट किया है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी घर की सफाई भी कर लूँ, और साथ में मुझे अभी अपने बाल भी धुलने हैं, बिकॉज मॉर्निंग में क्या होता है कि मुझे 8:30 बजे निकलना होता है, तो मॉर्निंग में इतना जल्दी सर नहीं धुल पाते हैं और फिर ठंडी भी लगती है, तो इसलिए मुझे अभी धुल लेती हूँ। तो गर्म पानी में लगा दिया है, अभी मैंने धुल लिया है सर अपना और मैं नहा भी ली हूँ, कपड़े मैंने वापस से भी पहन लिया अभी के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे फेस पे उग रहा है जंगल पूरा, थ्रेडिंग फोरहेड सब आ गया है, बिकॉज आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए जब शादी हुई थी घर पे, तब उससे पहले सब कुछ हुआ था। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस जंगल को कट कर देती है, तो वही अभी मेरे पास टाइम भी है। और आज मैं जिम में नहीं गई हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई है, तो कल से जिम वापस से ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से आज का जो काम है एक्स्ट्रा वो कर देती हूँ, जैसे अभी मुझे घर का सफाई भी करना है थोड़ा बहुत, तो पहले सोचा अपनी सफाई करते हैं, अपने से ही शुरुआत कर लेते हैं, पहले खुद की सफाई करती हूँ फिर घर की सफाई। मतलब देख रहे हो ये स्किन इतनी ड्राई हो गई है कि मैं अभी यहाँ से हेयर निकाल रही हूँ, और हेयर के साथ साथ कितने सारे वाइट वाइट डस्ट सा रहा है, ये सब डेड स्किन है मेरे फेस की जो निकल रही है। भाई कैसा रेड हो गया है पूरा का पूरा। बट ये है कि अभी यहाँ के मैंने क्लीन कर लिया, अभी थोड़े फोरहेड बचे हैं और थोड़ा मुझे ये वाला पार्ट पोर्शन अभी कम्प्लीट करना है। सो ये करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट। तो अभी कर लिया हमने अपने हेयर ड्राई, बिकॉज ठंडी हो रही है और बाल धुलने के बाद में अगर गीले बालों में मैं सो जाती तो भाई और ज़्यादा ठंड लग जाती मुझे। और अभी आपको थोड़ा मेरा फेस पे क्रीम क्रीम लगा होगा, तो भी मेरा स्किन केयर हो गया है, फेस का हुआ है एक्चुअली अभी मुझे, और इसी चक्कर में मैं घर की सफाई नहीं कर पाई, तो घर की सफाई करेंगे कल, या फिर अभी संडे आ रहा है तो संडे का पूरा दिन डेडिकेट होगा मेरे घर को, घर में जो डस्टिंग हो रही है इतनी सारी और सामान रह रहे हैं, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, अभी तो मेरा बैग भी अनपैक नहीं हुआ है जो मैं घर से लेके आई थी, तो उसको करेंगे बाद में लेटर ऑन, धीरे धीरे डेली डेली काम करते जाएंगे, बिकॉज ऑफिस आने के बाद टाइम नहीं बचता है। अभी बच गया 9:15 और अभी
मुझे खाना भी खाना है और खाना बनाने का मैं बहुत देर तक दिमाग लगा दे रही कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, लेकिन बिना जन के मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता। और मन भी एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं खाना बना भी लेती हूँ लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जाता, मतलब उनके चक्कर में 3-4 रोटी आराम से खा लेती हूँ बैठे बैठे, लेकिन उनके बिना मे भी 2 रोटी मुश्किल हो जाती है मेरे खानी। तो अभी के लिए मैंने पराठा बना लिया है, पराठे खा रही हूँ वैसे मैं 2 दिन से, तो अभी मैंने चीनी का पराठा बनाया आज और उसके साथ में लिया है दूध, लेट मी शो यू। तो ये रखा है अभी बेड पे, अभी मैं खाना खाऊंगी बैठ के। और ये बज रहे हैं 9:15, तो इट्स क्वाइट लेट कि मुझे अभी सोना भी है, फिर उसके बाद सुबह जल्दी भी जगना होता है, तो इसीलिए एक एक करके काम निपटाते हैं। तो आज के लिए ये वाला काम हो गया और अभी कल के लिए हम करेंगे हमारे घर का, या फिर देखते हैं बाकी का क्या करना है, बिकॉज 5:30 मैं बैठ के बात करती हूँ एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑफिस से आने के बाद में एक तो मेरा 1.5 घंटा चला जाता है वीडियो डालने में, है ना, वीडियो डालने में, हम फिर एक आधा शॉर्ट्स भी बनाती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, मतलब ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे मेरे इसी चीज़ में निकल जाते हैं। तो फिर बच जाता है 8 इसी में, 7:30-8 बज जाते हैं। और अभी तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ, कल से मैं जिम जाऊँगी तो 1.5 घंटा मेरा वहाँ पर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 बजे के बाद में खाना वाना होता है, तो इसीलिए टाइम मिलता ही नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन ये तो हो ही जाते हैं डेली, लेकिन डिटेल सफाई मेरी नहीं हुई है, और जब तक डिटेल नहीं होगी तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी, इसीलिए संडे को करते हैं। तो संडे का दिन सफाई के नाम ना, आज इनको वहाँ रहना पड़ रहा है मम्मी की वजह से, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, एंड यू नो फैमिली इट्स आर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि फैमिली सबसे पहले है, ठीक है, अपनी मे बी शायद मैं और अर्जुन हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हमारी फैमिलीज है। और जैसा अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो, पिछले 2 महीने से आप लोग देख रहे हो कि पहले पापा एडमिट थे मेरे, फिर हमें मतलब फिर उसके बाद में मम्मी को फीवर हो गया, फिर मम्मी एडमिट रही हॉस्पिटल में मेरी सास, और फिर उसके बाद मेरे पापा मतलब दूसरे वाले पापा मेरे ससुर जो हैं वो एडमिट हो गए, वो उनको फीवर हो गया था, उनको बॉटल वगैरह लगवानी पड़ी थी। फिर जैसे ही पापा थोड़ा ठीक हुए, फिर उसके बाद में मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, और अभी 1.5 महीना हो गया मम्मी के एक्सीडेंट हुए भी। तो पिछले 3 महीने, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, पिछले 3 महीने से हमारे साथ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्या नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बस ठीक नहीं चल रहा है। तो होपफुली टाइम निकल जाएगा जैसे जैसे करके, अभी मम्मी भी की तबीयत भी काफ़ी ठीक है, पापा भी ठीक है, दोनों पापा ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं दोनों अपनी साइड से, हम अपना 100% देने की सारी चीज़ों को मैनेज करने की, फैमिली को भी और जॉब को भी का, और जो हमारी लाइफ का बैलेंस है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। तो होपफुली आप लोग समझोगे। और क्या, बस अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अभी मैं खाना खाते खाते कुछ देखती हूँ, बिकॉज टीवी देखने का टाइम मिलता ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में 1-2 रील डालूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आजकल रात के 10-11 बजे में एक रील डाल देती हूँ, देन उसके बाद फिर हम सोते हैं और सुबह उठ के जाना है जल्दी। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में नई सुबह के साथ में।